गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज नंदिता सिंह फ्रॉम लोकमान्य तिलक स्कूल। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू चैप्टर 5 पार्ट 2। कल मैंने आपको पढ़ाया था हरिश्चंद्र द ट्रूथफुल किंग चैप्टर 5, जिसमें मैंने आपको बताया था हरिश्चंद्र के बारे में, हु वॉज द सन ऑफ त्रिशंकु, जिनके पिता का नाम त्रिशंकु था और वो एंसेस्टर्स थे रामा के। हरिश्चंद्र ने अयोध्या पर राज किया था। इनकी वाइफ का नाम था तारामती और बेटे का नाम था रोहिताश्व। फिर मैंने आपको बताया था कि इन्होंने क्या किया था, इनकी स्पेशलिटी क्या थी कि ये हमेशा सच बोलते थे। और फिर अचानक से इस बात की खबर भगवान को पड़ गई कि ये हमेशा सच बोलते हैं, इनके अंदर कोई भी खोट नहीं है। तो फिर भगवान ने एक खेल रचा, कैसे उन्होंने विश्वामित्र को चुना इनका एग्ज़ाम लेने के लिए, इनका टेस्ट लेने के लिए, इनकी लॉयल्टी का टेस्ट लेने के लिए। तो विश्वामित्र ने क्या किया था, विश्वामित्र ने इनका सारा राज्य काज सब छीन लिया था और इनको राजमहल से भगा दिया था। और फिर लास्ट में सारी चीज़ें इनकी जब्त करने के बाद इनसे बोला था कि आप दान के बाद हमें क्या दक्षिणा देंगे। फिर अंत में हरिश्चंद्र के पास कुछ भी नहीं बचता है और वो दक्षिणा के लिए कुछ समय मांग लेते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि क्या हुआ था कि हरिश्चंद्र सारी जगह पर घूमते रहते, काशी बनारस सब जगह घूमते रहते हैं, फिर भी उन्हें कोई काम नहीं मिलता और उनके पास एक भी पैसा नहीं रहता कि वो विश्वामित्र को कुछ पैसा, कुछ दक्षिणा के रूप में दे सकें। फिर अंत में क्या होता है, यहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, ऑनर इट आइदर, यहाँ तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। अब मैं आज आपको फाइनली हिज वाइफ से पढ़ाऊंगी। सो नाउ लेट स्टार्ट पार्ट 2। फाइनली हिज वाइफ तारामती, हु वॉज एज राइटियस एज हर हजबेंड, मेड अ सजेशन। राइटियस मीन्स होता है मोरली स्ट्रॉन्ग। राइटियस मीन्स क्या होता है, मोरली स्ट्रॉन्ग। तो इसकी वाइफ भी हरिश्चंद्र की तरह अपने मोरल में बहुत स्ट्रांग थी, मतलब बहुत सत्यवादी थी, अपने नैतिक को लेकर के, आचरण को लेकर के बहुत सुदृढ़ थी। तो फाइनली हिज वाइफ तारामती, हु वॉज एज राइटियस एज हर हस्बैंड, मेड अ सजेशन, उसकी वाइफ ने उसे सजेशन दिया। वाइफ का नाम क्या था, तारामती। वाइफ ने क्या सजेशन दिया, माई लॉर्ड शी सेड इन जस्ट अ फ्यू डेज द सेज विल अराइव आस्किंग फॉर हिज दक्षिणा। उसकी वाइफ ने क्या कहा कि इन जस्ट अ फ्यू डेज, कुछ समय बाद ही द सेज विल अराइव, वो संत जो सन्यासी जो थे जिसका नाम था विश्वामित्र, वो यहाँ पर आएंगे और अपनी दक्षिणा मांगेंगे। ठीक है, वी हैव सो फार बीन एबल टू अर्न अ सिंगल पैसा। आई हैव अ सजेशन टू मेक विच दो इट साउंड्स इम्प्रॉपर। फिर उसकी वाइफ ने क्या कहा कि वी हैव सो फार बीन एबल अनेबल टू अर्न अ सिंगल पैसा। उसने कहा कि हमारे पास एक सिंगल पैसा भी नहीं कमाया है हमने। आई हैव अ सजेशन टू मेक विच थॉट दो इट साउंड्स इम्प्रॉपर। उसने कहा कि मेरे पास एक सजेशन है जो कि सही नहीं मालूम पड़ता है, बट हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर क्या होता है, फिर आई हैव अ सजेशन टू मेक विच, फिर उसके बाद इट्स साउंड्स इम्प्रॉपर, ये मुझे सही नहीं लग रहा है, बट हमारे पास ओनली यही सजेशन है, इज़ द ओनली वे लेफ्ट टू अस, सिर्फ यही एक सजेशन हमारे पास, सिर्फ एक यही रास्ता बचा है। देर इज़ अ ग्रेट डिमांड इन दिस सिटी, और इस सिटी में इस चीज़ की बहुत डिमांड है, किस चीज़ की, फॉर स्लेव्स, नौकरों की बहुत डिमांड है। हु कैन वर्क फॉर द मेनी रिच पीपल Who lived here? उसने क्या कहा उसकी वाइफ ने कि यहाँ पर स्लेव्स मीन्स नौकरों की बहुत डिमांड है, और जो कि यहाँ पर रिच पीपल अपने घर में रखते हैं काम करवाने के लिए। प्लीज़ सेल मी एंड यूज़ द मनी टू पे ऑफ द सेज। और फिर उसने क्या कहा कि प्लीज़ सेल मी एंड यूज़ द मनी टू पे ऑफ द सेज। और उसने क्या कहा कि मुझे बेच दो, इन अमीर लोगों को मुझे बेच दो और
जो उससे जो भी पैसा मिले उसे उस संत को दे देना। लेटर व्हेन यू हैव एनफ मनी यू कैन बाय मी बैक, और जब तुम्हारे पास ठीक से पैसा हो जाएगा तो तुम मुझे खरीद लेना। हरिश्चंद्र वॉज अघास्ट एट दिस सजेशन। अघास्ट मीन्स होता है फियर्ड, अघास्ट मीन्स फियर्ड, मीन्स वो डर गया। हरिश्चंद्र डर गया इस सजेशन से। सेल ऑफ माई वाइफ हु वॉज स्टूड बाई मी थ्रू ऑल द माई ट्रबल्स इम्पॉसिबल। हरिश्चंद्र ने क्या कहा कि मैं अपनी वाइफ को भेज दूँ जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, जो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है प्रॉब्लम्स में। ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। ही क्राइड हाउएवर ही एज टाइम पास्ड ही वॉज अनेबल टू अर्न मनी ही हैड टू गिव इन हिज वाइफ एंड एग्रीड टू सेल हर। और लास्ट में क्या हुआ, जैसे कि समय टाइम पास्ड मीन जैसे ही समय बीता उसको ये रियलाइज हो गया कि वो पैसा नहीं कमा सकता, तो उसको अंत में अपनी वाइफ को बेचना ही पड़ा। टेकिंग हिज वाइफ टू द स्लेव मार्केट, अपनी वाइफ को स्लेव मार्केट जहाँ नौकरों की खरीदारी होती है वहाँ पर वो उसको ले गया। ही सोल्ड हर टू द हाइएस्ट बिडर। हाइएस्ट बिडर इज द पर्सन हु बाय द स्लेव्स। बिडर मीन्स होता है बोली लगाने वाले, तो वो वहाँ पर बिडर्स के पास, सबसे बड़े बिडर के पास ले गया। एंड एज्ड ब्राह्मण हु अग्रीड, बहुत बूढ़ा ब्राह्मण था, हु अग्रीड टू पे इवन मोर फॉर लिटिल बॉय एकम्पनिंग हर। उसने क्या कहा कि उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अगर तुम उस बूढ़े आदमी यानी ब्राह्मण जो खरीदने वाला था हरिश्चंद्र की वाइफ को, उसने कहा कि अगर तुम अपने बेटे को भी अपनी वाइफ के साथ बेचोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा पैसा दूंगा। फिर उसके बाद क्या होता है, फेस्ड विद नो चॉइस हरिश्चंद्र एक्सेप्टेड द मनी एंड लेट हिज वाइफ एंड चाइल्ड गो विद द ब्राह्मण। जस्ट देन हरिश्चंद्र एक्सेप्टेड द मनी एंड लेट हिज वाइफ चाइल्ड गो विद द ब्राह्मण। हरिश्चंद्र फेस्ड विद नो चॉइस, उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी। हरिश्चंद्र एक्सेप्टेड द मनी, हरिश्चंद्र ने पैसे लिए एंड लेट हिज वाइफ एंड चाइल्ड गो विद ब्राह्मण, और उसने अपने वाइफ और बेटे को ब्राह्मण के साथ जाने दिया। जस्ट देन विश्वामित्र अराइव्ड एंड डिमांडेड हिज दक्षिणा अगेन। फिर उसके बाद तुरंत विश्वामित्र उसके पास आते हैं। विश्वामित्र किसके पास आते हैं, हरिश्चंद्र के पास, क्योंकि उन्होंने उससे दक्षिणा मांगी थी और हरिश्चंद्र ने उनसे एक मंथ का टाइम लिया था। फिर क्या होता है कि हरिश्चंद्र ने अपने वाइफ और बेटे को बेच दिया था। किस लिए बेचा था, अब विश्वामित्र को दक्षिणा देने के लिए उस पैसे से। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो बेच देता है तो हरिश्चंद्र के पास विश्वामित्र आते हैं दक्षिणा लेने के लिए। एंड हरिश्चंद्र हैंडेड ओवर ऑल द मनी ही हैज़ जस्ट रिसीव्ड। और जैसे ही उनको पैसा मिलता है हरिश्चंद्र को, वो विश्वामित्र से मिल करके उन्हें दे देते हैं। बट विश्वामित्र वॉज नॉट सेटिस्फाइड। बट विश्वामित्र क्या कहते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते हैं। वो क्या कहते हैं, ही सेड इज दिस द दक्षिणा यू पे अ सेज विद माई कैलिबर। उसने कहा, कैलिबर मीन्स होता है एबिलिटी यानी योग्यता। तो विश्वामित्र क्या कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं कि एज दिस दक्षिणा यू पे अ सेज विद माई कैलेबर। उसने कहा कि क्या ये वही दक्षिणा है जो तुम मेरे एबिलिटी के अकॉर्डिंग मुझे दोगे, यानी कि मेरी एबिलिटी ज़्यादा है और तुम्हारी दक्षिणा कम है। वो ये शो ऑफ कर रहा था। आई कैन नॉट एक्सेप्ट सच अ पिटेंस, आई कैन नॉट एक्सेप्ट सच अ पिटेंस, यानी पिटेंस मीन्स स्मॉल अमाउंट, पिटेंस मीन्स स्मॉल अमाउंट। उसने क्या कहा, आई कैन नॉट एक्सेप्ट सच अ पिटेंस, मैं इतनी छोटी रकम एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एज हरिश्चंद्र वॉज पॉन्डरिंग ओवर वॉट टू डू, पॉन्डरिंग मीन्स होता है थिंकिंग डीपली, पॉन्डरिंग मीन्स थिंकिंग डीपली। और फिर हरिश्चंद्र सोचने लगा कि मैं क्या करूँ, वॉट टू डू, मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद क्या दिया है, चंडाल, ये देखिए CHANDALA, को चंडाल पढ़ेंगे। चंडाल अ मैन, चंडाल कौन था, अ मैन ऑफ द लोएस्ट ऑफ द लोअर कास्ट हु आर परमिटेड टू वर्क लिव ऑन द क्रीमेशन ग्राउंड।
चंडाल किसको कहते हैं? चंडाल इज द पर्सन जो कि सबसे लोएस्ट कास्ट में होता है, और इसका काम क्या होता है? शवों को जलाना, मतलब डेड बॉडीज को जलाने का काम इसका रहता है, तो इसे हम चंडाल कहते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है, देखिए, हु लिव ऑन द क्रीमेशन ग्राउंड। क्रीमेशन मीन्स होता है शवों को जलाना, जिस जगह पर शवों को जलाया जाता था वो वहीं रहता था। अराइव्ड वहाँ पर आ जाता है, एंड सेड ही वॉज लुकिंग फॉर एन एबल बॉडीड मैन फॉर टू वर्क फॉर हिम। और फिर उससे क्या कहता है विश्वामित्र से, कि मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश है जो कि मेरे लिए काम कर सके। इमिडिएटली विश्वामित्र टर्न टू हरिश्चंद्र एंड सेड, वाई डोंट यू सेल योर सेल्फ टू द मैन एंड पे मी माई ड्यू। और फिर इमिडिएटली विश्वामित्र क्या कहते हैं तुरंत, कि हरिश्चंद्र से कहते हैं कि क्यों नहीं तुम अपने आप को सेल कर देते हो, अपने आप को क्यों नहीं बेच देते हो इस पर्सन को, और मेरी पूरी मनी, मेरी पूरी दक्षिणा मुझे लौटा सकते हो। हरिश्चंद्र वॉज अपेल्ड, हरिश्चंद्र वॉज अपेल्ड। अपेल्ड मीन्स होता है हॉरीफाइड, मीन्स डर जाना। हरिश्चंद्र बहुत डर गया। चंडाल्स वर कंसीडर्ड अनटचेबल्ड, अनटचेबल्स मीन्स होता है अछूत, जिन्हें छूना लोग पसंद नहीं करते। तो क्या होता है कि चंडाल्स वर कंसीडर्ड अनटचेबल्स, चंडाल्स को उस समय अनटचेबल्स अनटचेबल्स समझा जाता था, यानी अछूत समझा जाता था। वेन इट वॉज फॉरबिडन टू इवन टच आ चंडाल, मतलब उस समय ये भी लोग नहीं मानते थे कि इस तरीके के नीचे कास्ट के पर्सन को वो टच करें। ही अ किंग हैड टू वर्क फॉर अ चंडाल, उसने कहा कि उसने सोचा कि मैं एक राजा जो कि मैं इस तरीके के पर्सन के साथ के लिए काम करूं, हाउ हैड ही फॉलन टू सच अ लो स्टेट, लोअर देन इवन अ चंडाल। उसने क्या कहा कि उसने सोचा कि ये तो मेरी इमेज को एकदम गिराने के तरीके हैं, इवन चंडाल से नीचे भी मेरी इमेज गिर जाएगी क्योंकि मैं उसके लिए काम करूँगा। इवन एज सच थॉट्स पास्ड थ्रू हिज माइंड, ही रियलाइज दैट ही हैड नो अदर ऑप्शन। और फिर कुछ समय बाद उसको ये समझ में आया कि मेरे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं क्या सोचूं, एंड अग्रीड टू वर्क फॉर द चंडाल, और उसके साथ उसके लिए काम करने के लिए वो तैयार हो गया। विश्वामित्र वॉज फाइनली सेटिस्फाइड विद द मनी ही रिसीव्ड, और विश्वामित्र फाइनली क्या हुआ, उस मनी से, उस पैसे से जो हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच करके उसे दी थी, उससे वो सेटिस्फाइड हो गया, एंड लेफ्ट, और उन लोगों को छोड़ करके चला गया, लिविंग हरिश्चंद्र विद द चंडाल, और चंडाल को उसको बेच कर चला गया। फिर क्या होता है, द चंडाल पुट हरिश्चंद्र टू वर्क इन द क्रिमेशन ग्राउंड। चंडाल ने क्या किया, हरिश्चंद्र को क्रिमेशन ग्राउंड में काम करने के लिए कहा। क्रिमेशन ग्राउंड मीन्स मैंने क्या बताया था, एक ऐसी जगह जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता था। तो चंडाल हरिश्चंद्र को वहाँ पर काम करने के लिए उसने खरीदा था, तो उसको वहाँ ले गया था। टीचिंग हिम हाउ टू क्रीमेट बॉडीज, और उसको सिखा रहा था, क्रीमेट मीन्स होता है जलाना, और उसको सिखा रहा था कि डेड बॉडीज को कैसे जलाया जाता है। हाउ टू सेपरेट द बर्न बॉडी पार्ट्स, जले हुए बॉडी पार्ट्स को कैसे अलग किया जाता है। हाउ मच टू चार्ज, कैसे उन्हें जलाया जाता है, एंड सो ऑन। वो मतलब सारी क्रियाएं उसको सिखा रहा था। हरिश्चंद्र लिव्ड ऑन इन द क्रीमेशन ग्राउंड एंड वर्कड कंसाइटियसली, इसका मीन्स होता है विद सिंसियरली, समझदारी ईमानदारी के साथ वहाँ पर काम करने लगा। दो विद अ हैवी हार्ट, बल्कि उसका दिल इस चीज़ के लिए गवाही नहीं दे रहा था। फिर क्या होता है, ही कॉन्स्टेंटली थॉट ऑफ हिज वाइफ एंड सन, और कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार, और फिर वो अपनी वाइफ और बेटे के बारे में लगातार सोचता रहा। वंडरिंग वॉट कंडीशन कुड दे बी इन एंड वेदर दे वर वेटिंग फॉर हिम टू कम एंड रेस्क्यू देम। दे डू नॉट इवन नो दैट आई एम अ स्लेव माई सेल्फ, ही थॉट। और फिर वो वहाँ पर काम करते करते अपनी वाइफ और अपने बेटे के बारे में सोच रहा था, और ये सोच रहा था कि क्या
वो हमारा मेरा वेट कर रहे होंगे, पता नहीं वो किस कंडीशन में होंगे, और उन्हें ये भी नहीं पता कि मैंने अपने आप को भी बेच दिया है। नेक्स्ट पैरा, टाइम पास्ट, समय बीतता गया। टाइम पास, समय बीतता गया, फिर क्या हुआ? हरिश्चंद्र ग्रीव यूज्ड टू वर्क, हरिश्चंद्र ग्रीव यूज टू वर्क, और उसको काम काम करने की आदत पड़ गई। यूज टू मीन्स आदत पड़ गई उसको। हिज वाइफ एंड सन टू गॉट यूज टू द पावर्टी एंड हार्ड लाइफ, और उसकी वाइफ को भी गरीबी यानी पावर्टी यानी गरीबी गरीबी और टफ लाइफ हार्ड लाइफ की आदत पड़ गई। वर्किंग इन द ब्राह्मण्स हाउस, और जैसे कि वो ब्राह्मण के घर में काम कर रहे थे। वन डे व्हेन हरिश्चंद्र यंग सन वेंट टू द गार्डन टू कलेक्ट फ्लावर्स, वन डे, एक दिन क्या हुआ, व्हेन हरिश्चंद्र यंग सन, हरिश्चंद्र का यंग बेटा जो जो कि ब्राह्मण को उसने बेच दिया था, वेंट टू द गार्डन टू कलेक्ट फ्लावर्स, और फ्लावर्स को गार्डन में कलेक्ट करने गया था। ही वॉज बिटन बाय अ स्नेक, स्नेक आप सब जानते हैं, बिटन मीन्स होता है काटना, और उसको एक सांप ने काट लिया था और वो वहाँ पर गार्डन में ही मर जाता है। फिर क्या होता है, तारामती वॉज फुल ऑफ सॉरो, और ये बात देख, ये सब देख करके तारामती जो कि उसके बेटे की मम्मी थी यानी कि हरिश्चंद्र की वाइफ थी, वो बहुत ही दुखी हो जाती। ही क्राइड एंड क्राइड, वो चिल्लाती रहती है। ही क्राइड एंड क्राइड, वो चिल्लाती रहती है, और क्या होता, बट फाइनली शी हैड टू अग्री टू टेक द बॉडी टू द क्रीमेटेड, और फिर फाइनली क्या होता है कि वो अपने बेटे की बॉडी को जलाने के लिए, क्रीमेटेड मीन्स जलाने के लिए, क्रीमेशन ग्राउंड लेके जाती है। एंड स्टार्टेड फॉर द क्रीमेशन ग्राउंड विद हर चाइल्ड इन हर आर्म्स, और अपने हाथ में उसकी बॉडी को उठा करके लिए उठा करके क्रीमेशन ग्राउंड ले जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको पढ़ाया कि हरिश्चंद्र की लाइफ में कैसे उतार चढ़ाव आए, कैसे अप डाउन्स आए, और इसके आगे यहाँ तक टिक कर लीजिए, इसके आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। टिल देन गुड बाय।